भावेश अग्रवाल की ओला पर एक के बाद एक सरकार का डंडा चल रहा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस में शिकायतों के बाद अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कैब सर्विस को आड़े हाथों लिया है। सीसीपीए ने ओला कैब्स में रिफंड पॉलिसी को दुरुस्त करने को कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं सीसीपीए ने क्या आदेश दिया है? जी, इससे पहले भी सीसीपीए कई बार ओला को आड़े हाथों ले चुकी है, लेकिन इस बार मामला है रिफंड को लेकर। दरअसल जब आप ओला में ग्रीवेंस सेक्शन में जाते हैं ओला कैब्स में, और अगर आप अपना रिफंड चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक विकल्प रहता है, वो विकल्प है कूपन कोड का। सीसीपीए ने कहा है कि ये सही नहीं है। एक ग्राहक जो है उसको विकल्प होना चाहिए, वो कूपन कोड लेना चाहे या फिर वो सीधे जो रिफंड है वो अपने बैंक अकाउंट में चाहे, इसको लेकर क्लियर ऑप्शन लिखना चाहिए ओला कैब्स को। और इसी के लिए ओला कैब्स को ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपनी रिफंड पॉलिसी को ठीक करे और कंज्यूमर को साफ साफ ये इन्फॉर्मेशन दे कि वो किस तरीके से कूपन का भी इस्तेमाल कर सकता है और जो अपना अकाउंट डिटेल डालने का जो ऑप्शन है वो भी उसको देने का विकल्प दिया जाए, इसको लेकर सीसीपीए ने कहा है। दूसरी तरफ जब आप ऑटो रिक्शा बुक कराते हैं ओला कैब्स के जरिए, तो उसमें इस वक्त कोई भी बिल या इनवॉइस का ऑप्शन नहीं है। ये साफ तौर पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसका उल्लंघन है और ओला कैब्स को कहा गया है इसे जल्दी से जल्द ठीक करें, और जो कंज्यूमर है जो ऑटो रिक्शा भी बुक कराते हैं उन्हें भी बिल दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी और ओला कैब्स को एक तय समय सीमा में इन दोनों चीजों के बारे में जो है उन्होंने क्या करेक्टिव मेजर्स लिए हैं इसकी जानकारी देने को कहा। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने वाले लोगों की शिकायतों का कैसे होगा निपटारा, जानने के लिए जरूर देखिए आज शाम कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर।